थैंक यू वेरी मच अभिजीत जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए सर, आज का चर्चा हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं और हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये हमारा जो ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, इसको कैसे और कितना हेल्प कर सकता है और क्यों हमको ये प्रोडक्ट लेके इतना आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी को स्वागत करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है किवा का इकोटा, उधर आप सभी को वेलकम करते हुए हमारा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, दोस्तों पहले सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले वो दोस्तों आया है, ऐसा वेबसाइट है जहां ऐसा न्यूज लाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है वो नाम, और जहां इसको बताया गया है, आप देखिएगा दोस्तों, जहां इसको बताया गया है कि ये जो इंडिया है, हमारा देश है, हमारा देश का सबसे बड़ा जो मृत्यु के लिए सबसे बड़ा जो खतरा होता है हमारा देश में, वो हो गया हार्ट अटैक। ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोला जाता है जिसको, हार्ट अटैक तो मतलब एक चालू शब्द है, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होता है मतलब हमारा जो हार्ट से संबंध और ये जो वास्कुलर सिस्टम है हमारा, ये वास्कुलर सिस्टम से संबंधित जो हमारा तंत्र है, कार्डियोवास्कुलर जो हमारा तंत्र है, ये जो सिस्टम है, इसका गड़बड़ी का कारण पूरा देश में, अगर आप यूरोप का तरफ, अगर आप यूएसए का तरफ भी आप देखें, तब आप भी पाएंगे कि उधर का ज्यादा से ज्यादा लोग जिसमें डेथ होता है, डेथ का सबसे बड़ा कॉज ये हार्ट अटैक होता है या ये हार्ट का फेल्योर होता है, हार्ट का बीमारी होता है, सीवीडी होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है दोस्तों। और ये जो आपका सामने जो ब्लॉग आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉग में ऐसा लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, आप देखिएगा मैंने उसको हाईलाइट किया है नीचे में, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, पिक्चर का नीचे में आप देखिएगा एक लाइन मैंने हाईलाइट करके रखा है, और ये लाइन ऐसा लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नियरली ए क्वार्टर, क्वार्टर मतलब कोई भी चीज को अगर चार हिस्से में आप तोड़ते हैं उसका एक हिस्सा, मतलब हमारा जितना आबादी है, हमारा देश का जितना आबादी है, उसका लगभग चार हिस्से का एक हिस्सा, मतलब 24%, लगभग 25%, क्योंकि 24.8% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया इज ड्यू टू सीवीडीज। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है दोस्तों, आप ऊपर देखिए, ये पब्लिश हुआ है मंडे को, और मंडे को 11 मतलब जनवरी 21 को, ये साल का जनवरी का ये रिपोर्ट है, तो ये साल का 2021 में जनवरी का ये रिपोर्ट है, और रिपोर्ट बताता है कि हमारा देश का 25% जितना डेथ होता है उसका 25%, अब सोचिएगा कितना बड़ा एक फिगर होता है, जितना भी डेथ होता है हमारा देश का, वो डेथ का लगभग 25% मतलब एक चौथाई उसका कारण है ये हार्ट का बीमारी या सीवीडी से, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज से वो आक्रांत होके उससे उसका परिणाम उसको ये मिलता है। दोस्तों ये तो मैंने दिखाया आपको क्या सिचुएशन है, मैं और दूसरा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आपको दिखाई देगा, आपको आपको भी पता है आपका एरिया में कितना लोगों, उनको अचानक हार्ट का दौरा पड़ गया, उनको अचानक स्ट्रोक हो गया, उनका अचानक ये जो सीबीडी का प्रॉब्लम है ये हो गया और उनको लेके गया, और ना जाने हमारा कितना छोटा छोटा यंग, आजकल तो एक जमाने में ये तो एल्डरली डिजीज एंड डिसऑर्डर में माना जाता है, मतलब ये वॉयस का साथ, मतलब थोड़ा सा बुढ़ा होने से ये सब बीमारी दिखाई देते थे, लेकिन आज तो एकदम यंग, मतलब 30-35 किसी भी मतलब उम्र में ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसको कोई ना कोई हो रहा है। दोस्तों आप देखिएगा अपना मोहल्ले में, अपना जो जाने पहचाने लोग है, शायद आपको भी ऐसा कोई ना कोई सुनने को मिला है, जानने को मिला है दोस्तों। तो ऐसा स्थिति है, मैं ये स्थिति को बताया आपके सामने, पिक्चर को रखा, पिक्चर क्या है, इतना खतरनाक पिक्चर है दोस्तों, और उसका ऊपर, उसका संदर्भ में मैं और एक
पिक्चर आपका सामने रखा हूं, डॉक्टर लिनस पाउलिंग, जिनको एक बार नहीं दो बार नोबेल प्राइज मिला है। दोस्तों ये एक बहुत ही जाने माने बहुत ही बड़ा हस्ती है, जो भी ये साइंस का फील्ड में रहा है उनको ये नाम तो एकदम मालूम है। उनका नाम है डॉक्टर लिनस पाउलिंग, जिनको दो बार नोबेल प्राइज मिला है। एक नोबेल लॉरियट कितना बड़ा होता है, और ये शख्स को दो बार नोबेल प्राइज मिला है। और उन्होंने एक ऐसा बात बताया जो कि ये जो मेडिकल जो हिस्ट्री होता है उसमें एक बहुत ही बड़ा उसका एक योगदान है। और उन्होंने बोला है कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज द मेडिसिन ऑफ टुमारो। उन्होंने बताया कि आगे जाके एक जमाना ऐसा आएगा जहां न्यूट्रिशन से ही हर एक बीमारी का इलाज किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। उन्होंने फिर से बोला है, मैंने फिर से कोट करना चाहता हूं, उन्होंने बोला है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज द मेडिसिन ऑफ टुमारो। तो इतना बड़ा हस्ती ने इतना बड़ा बात बोल दिया, मतलब आज का जो मॉडर्न मेडिसिन हम जिसको बोल रहे हैं, उन्होंने बता रहा है मॉडर्न मेडिसिन नहीं, न्यूट्रिशन, अगला पीढ़ी का न्यूट्रिशन ही होगा अगला पीढ़ी का ये मेडिसिन। हमारा शरीर का अंदर कोई ना कोई कमी होता है, कहीं ना कहीं हमारा शरीर का अंदर ये जो न्यूट्रिशन का कमी से ही ये बीमारी देखने को मिलता है। और ये सिर्फ लिनस पाउलिंग ही नहीं, ढेर सारे साइंटिस्ट इसका बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और जान लेते हैं, अगर हम कार्डियोवास्कुलर ये जो सिस्टम इसका ऊपर अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों हमको सबसे पहले एक बार छोटा करके ये जो हमारा जो हार्ट का एनाटॉमी है इसके ऊपर मैं दो लाइन बोलना चाहता हूं, ज्यादा टाइम में बर्बाद ना करें। दोस्तों आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो नीला ब्लू कलर में ये जो सुपीरियर वेना कावा है ऊपर में, और नीचे जो ऐसा इंफीरियर वेना कावा है, यहां से ब्लड आते हैं। कौन सा ब्लड? जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसका अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिसका अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो ब्लड यहाँ से आके ये जो राइट एट्रियम दिखाई दे रहा है वहां आता है। आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर आपका सामने है, आप देखिए बाया तरफ जो राइट एट्रियम दिखाई दे रहा है, वहां से होके फिर वो राइट वेंट्रिकल में आता है, वहां से फिर उसको हमारा हार्ट जो है उसको पंप करके फिर उसको निकालते हैं, और वो सीधा ये पल्मोनरी जो आर्टरी है वहां से सीधा चला जाता है हमारा लंग। हमारा जो लंग है उसका काम है इसका कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना और उसको ऑक्सीजन भर के फिर वापस भेज देना। फिर जो वापस देखिए ये जो फिर जो पल्मोनरी जो आर्टरी है यहाँ से नीचे का तरफ से आपको दिखाई दे रहा है, वहां से फिर हमारा ये जो हार्ट का अंदर आता है, और फिर फाइनली उसको हमारा हार्ट पंप करके उसको एब्डोमेन उसका अंदर से हमारा हार्ट का ऊपर जो ऐसा नाली है वहां से वो पंप करते हैं, पंप करके पूरा बॉडी में ये हमारा शरीर का अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। दोस्तों ये इसका मेकानिज्म, और ये एक ऐसा मशीन है जो मशीन हमारा जन्म का साथ चालू हुआ और बंद जब होगा तब हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा अंत का साथ ही ये मशीन काम करना बंद कर देता। इतना इंपॉर्टेंट एक मशीन होता है दोस्तों, ये जो मशीन चालू रहता है ये मशीन को एनर्जी कौन देता है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और आप सोचिएगा दोस्तों ये जो हार्ट है हमारा ये किससे बना है, ये दोस्तों ये मसल से बना है, ये भी मसल से बना है, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मसल्स, लेकिन दे आर मसल्स। और मसल्स क्या होता है दोस्तों, मसल के अंदर टिश्यू रहता है, टिश्यू के अंदर सेल रहता है, मतलब वो हमारा शरीर का एक हिस्सा है, जैसे कि बाकी शरीर का हिस्सा होता है वैसा हार्ट भी हमारा शरीर का हिस्सा होता है। तो हमारा शरीर का बाकी हिस्से में जैसे सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वैसा हमारा हार्ट का जो सेल है, हार्ट का जो मसल है उसका जो सेल होता है उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, उनका भी पुष्टि चाहिए होता है, उनका भी कोई ना कोई कमी हो जाए, कोई ना कोई उधर से कुछ गड़बड़ी होता है, तब जाके हमारा हार्ट को बीमारी होता है ना। जैसे कि डॉक्टर लिनस पाउलिंग ने बताया कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज द मेडिसिन ऑफ टुमारो। तो दोस्तों हार्ट का क्या क्या बीमारी सबसे ज्यादा दिखने को मिलते हैं वो आपका सामने सबसे, मतलब ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या क्या बीमारी सबसे ज्यादा, मतलब मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारीज होते हैं, डिजीज होते हैं, उसका बारे में मैं एक एक करके आपका सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बताऊंगा एथेरोस्क्लेरोसिस। दोस्तों ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये जो वेन होता है ना जहां से हमारा खून जाता है, ये वेन का ऊपर ना वेन का भेद का बीच में यहाँ फैट जमा होते जाते हैं और प्लग जमा होते हैं, इसी कारण क्या होता है ये जो वेन्स होते हैं ये टाइट हो जाता है, इसका इलास्टिसिटी खत्म होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। तब जाके वो
ब्लड आराम से, उसका खून आराम से उसका अंदर से नहीं जा सकते। अगर खून नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, खून नहीं जाएगा तो न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, उसका पूरा जो सप्लाई लाइन वो कट हो जाता है। कट हो जाने से वो जो एरिया जहाँ वो खून पहुंचाता है वहां प्रॉब्लम होना लगता है, वो डिप्राइव्ड होता है वो सेल, फिर वो नीला पड़ता है, फिर उधर पेन होता है, यही ना, यही तो पूरा का पूरा सिस्टम है दोस्तों। फिर एक शब्द को हमको मिलने दिखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब जिसका अंदर ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब ये जो हमारा हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं वो आते हैं। सो दैट इज द कॉल्ड द कोरोनरी हार्ट डिजीज। दूसरा डिजीज भी है लेकिन दिस इज द प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हमारा हार्ट का दौड़ा पड़ना, हार्ट का हार्ट अटैक होना दोस्तों। और तीसरे एक चीज हमको सुनने को बहुत मिलता है, दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। व्हाट इज दैट? दैट इज द चेस्ट पेन। जब ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता तब वहाँ का जो एरिया होता है वह पेन क्रिएट करता है। पेन क्या होता है दोस्तों? पेन एक अलार्मिंग सिस्टम है, मतलब यहाँ हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके ऊपर आप नजर डालो, यहाँ देखो, इसको सुधरो। फिर दोस्तों और एक प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड द एरिथमिया। एरिथमिया दोस्तों वो होता है जहाँ हमारा हार्ट बीट इरेगुलर होता है, हमारा एक सर्टेन इसका हार्ट बीट का एक नाप होता है, उससे अधिक, उससे नीचे, बहुत ज्यादा अधिक, बहुत ज्यादा नीचे होने से गड़बड़ी हो सकता है, वो एक बीमारी माना जाता है, दैट इज कॉल्ड द एरिथमिया। दोस्तों और एक चीज, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है दोस्तों? जब हमारा जो हार्ट का मसल होता है वो किसी ना किसी कारण से वो ठीक से पंप नहीं कर पाता। हमारा जो हार्ट का मसल है, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मसल, उसका जो पूरा सिस्टम है, अगर ये ठीक से पंप नहीं कर पाएगा तो दैट इज कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दैट इज कॉल्ड द CHF। और इसका साथ स्ट्रोक जो होता है दोस्तों, ये जो प्लग जमने के कारण, ये जो जिसका जो हमारा जो नाली होता है, जो संवहन तंत्र का जो वेंस होता है, उसका अंदर से खून ठीक से नहीं जाता, खून रुक जाने का कारण से, कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाने के कारण से, जैसे कि हमारा हार्ट में अटैक होता है, वैसे हमारा ब्रेन में ये सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस होता है, मतलब स्ट्रोक होता है दोस्तों। ये पिक्चर आपको दिखने को मिल रहा है, ये पिक्चर का अंदर ये जो नाली का आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर में बाया तरफ जो हार्ट का पिक्चर दे रहा है, दिख रहे हैं वो हार्ट का ऊपर से देखिए, हार्ट का ऊपर एक हार्ट का जो मसल्स है, वो हार्ट का मसल को खून पहुंचने के लिए वहां ब्लड पहुंचना चाहिए, इसी के लिए उधर ये आर्टरीज है, वेन्स बोला मैं इतना तक, ये आर्टरी रहता है, ये जो आर्टरी रहता है ये आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। और ये जो कोरोनरी आर्टरी होता है, कोरोनरी आर्टरी का अंदर ये प्लग जमा होने का कारण, वह ब्लॉकेज होने से वो ब्लड फ्लो को रुकता है। अगर ये ब्लड फ्लो को रुकता है तो वहां का जो टिश्यू होता है वो डैमेज होता है और इसीलिए उधर पेन होता है, तो उधर जाके फिर वो इसको बोला जाता है, दैट इज द हार्ट अटैक, ये ऐसा उसका प्रॉब्लम है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम का हमने दो हिस्से में देख सकते हैं। एक तो होता है कि हमारा जो आर्टरी है, आर्टरी का अंदर ये जो प्लग्स होते हैं और ये जो फैट जमते हैं, जहाँ की मतलब इसका अंदर फैट फैट को डिपोजिट होता है, कैल्शियम डिपोजिट होता है, फाइब्रिन को डिपोजिट होता है, तो ये सब जमा होने का कारण वहाँ वो प्लग जमा होते हैं, तो इससे ये एक बहुत बड़ा कारण है। और बाकी जो भी संदर्भ में बताया आपको इस संदर्भ में, वो दूसरा जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारा हार्ट का मसल को वीक होना, ये इसका बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, अगर इसका इससे छुटकारा पाना चाहिए, मतलब हमको इसको प्रिवेंटिवली अगर देखेंगे कि हमको प्रिवेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि आज कोई नहीं जानता कि हमारा ये कार्डियोवास्कुलर सिचुएशन क्या है। और उसी लिए हम सभी को देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, अचानक हमको सुनने को मिलता है अचानक कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उस व्यक्ति को ऐसा ऐसा हो गया, ये अचानक होता है। और अचानक इसलिए होते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होते हैं, हम तो थोरोली मतलब टाइम टू टाइम हम चेकअप तो नहीं कराते, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं दोस्तों, वो है हम ये जो तीनों प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, कोएंजाइम Q10, हिमालयन बेरी जूस और हार्ट केयर टैबलेट, ये अगर हम पहले से ही लेते
तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो प्रॉब्लम आएगा उससे पहले ही उसको निदान ढूंढ लिए हैं और उससे छुटकारा पहले से पाके रखा है, क्योंकि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेके रखा है। तो दोस्तों ये होता है कोएंजाइम Q10, हिमालयन बेरी जूस और हार्ट केयर टैबलेट, ये तीनों, ये अनोखा जो एकदम सबसे बढ़िया। और सबको पता है कि हमारा जो ये केवा काइपो का एक एक प्रोडक्ट वो कितना काम का होता है, और हर एक प्रोडक्ट ढेर सारे सर्टिफिकेशन है। हमारा जो ये केवा काइपो इंडस्ट्री है इनको ढेर सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये इतना सर्टिफिकेशन मिले हैं, इतना इसका जो प्रोडक्ट है रेंज है, ये टेस्टिफाइड है, लाखों लोगों ने इसका ऊपर मतलब इसको टेस्ट किए हैं, उनमें वो अपना के देखे हैं ये कितना काम का होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा हार्ट का कार्डियो वास्कुलर जो सिस्टम है, इनमें से जो जो बीमारी आते हैं, क्या हमको इसका प्रिवेंशन के लिए ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल पहले से ही नहीं करना चाहिए? अगर हम पहले से इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या हमारा जो शरीर है इसका साथ इंसाफ नहीं करेंगे, है ना? तो हमको हमारा शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये सब प्रोडक्ट लेना चाहिए। उसमें से आता है कोएंजाइम Q10, एक बहुत बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। दोस्तों कोएंजाइम मतलब ये एक एंजाइम है, और दोस्तों आप सभी को पता है, और ये जो एंजाइम होता है वो हमारा शरीर का अंदर सेवरल जो एक एक फंक्शन होता है, हमारा शरीर का शरीर वित्तीय जो एक एक काम होता है उसमें वो उसको स्पीड अप करते हैं जहां जरूरी होता है, मतलब उसको हेल्प करते हैं। तो कोएंजाइम Q10 एक ऐसा इंपॉर्टेंट जो एक तत्व होते हैं जो हमारा शरीर खुद इसको बनाते हैं, और हमारा शरीर खुद इसको बनाते हैं किस लिए दोस्तों? इसका ढेर सारे कारण है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो मैंने क्वेश्चन किया कि हमारा यह जो हार्ट है ये ऑटोमेटिकली चलता है और आप सोचिए हमारा पूरा शरीर में खून बहता रहता है, तो ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड जो पंप होता है उसको चलने के लिए कितना पावर चाहिए होता है। तो ये पावर देने वाला कौन होता है दोस्तों? ये पावर देने वाला जो एंजाइम होता है दैट इज द कॉल द कोएंजाइम Q10, और उसको हमारा शरीर उसको प्रोड्यूस करता है, नेचुरली उसको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारा जो लाइफस्टाइल है, या हम कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है, या कोई ना कोई कारण से अगर हमारा शरीर के अंदर ये कोएंजाइम Q10 बनना उतना मात्रा में नहीं बन रहा है, तो अगर हम बाहर से दे रहे हैं ये कोएंजाइम Q10, अगर हम ले रहे हैं केवा काइपो का, तो क्या कर रहे हैं हम, हमारा शरीर का तत्व को हम ठीक से वापस बैलेंस में ला रहे हैं। तो इसको लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको कितना इसमें है 30 ml कोएंजाइम Q10 ड्रॉप्स, और इसमें आपको 500 ड्रॉप्स तक मिलेगा। दोस्तों ये कोएंजाइम Q10 जो होता है सप्लीमेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। दिस इज द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा शरीर का अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो भी करते हैं उससे, स्पेशली जो खाना खाते हैं उसका एक बाय प्रोडक्ट होते हैं वो, दैट इज कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल जो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है उसको रोकते हैं। अगर ना रोके तो क्या होगा? अगर ना रोके एंटीऑक्सीडेंट, अगर फ्री रेडिकल्स को नहीं रोकता है तो फ्री रेडिकल्स हमारा पूरा बॉडी को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को एजिंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, ये हमारा एजिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। हम जो बूढ़ा होते हैं ना, इसका अगर साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो इसको साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला हम बूढ़ा क्यों होते हैं, उसमें एक सबसे प्रमुख कारण उसमें पाया गया कि इट इज ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है उसके लिए ये हमारा शरीर इसको, हमारा ऐसा बुरापन हमारा शरीर में आता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारा शरीर को ये जो एजिंग का जो प्रोसेस होता है उससे बचाता है, नंबर वन। नंबर टू क्या करता है? हमारा शरीर का अंदर ये फ्री रेडिकल्स जो होता है, ये अगर आप देखेंगे तो हमारा जो भी एल्डरली डिजीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें से कोई नाम है, उसका अगर आप रूट कॉज में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे उसमें से एक प्रमुख कारण होता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उसको ठीक करते हैं कौन? ये एंटीऑक्सीडेंट, है ना? और क्या करते हैं दोस्तों? और ये जो कोएंजाइम Q10 होता है वो हमारा जो बेसिक सेल फंक्शन होता है उसके लिए भी चाहिए होता है। तो
कोएंजाइम Q10 हमारा शरीर का जो सेल्स होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों ये कोएंजाइम Q10 हमारा शरीर का अंदर तैयार तो होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा एज होते हैं, और आज का डेट में क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम हमारा जो लाइफस्टाइल में गड़बड़ी या स्ट्रेस और बहुत बहुत ढेर सारे कारण में हमारा शरीर के अंदर क्या होता है, ये इसका जो मात्रा होता है वो घट जाता है। और कोई कोई जो बीमारी होता है जैसे कि कैंसर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, किसी का डायबिटीज हो गया, हार्ट कंडीशन हो गया, किसी का HIV/AIDS हो गया, किसी को दूसरा कुछ हो गया, पार्किंसंस हो गया, डिमेंशिया हो गया, ऐसा कुछ होने से भी ये जो कोएंजाइम Q10 होता है उसका मात्रा हमारा शरीर जो बनाता है उसका मात्रा घट जाता है। और लिखा गया दोस्तों कोई कोई प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब डॉक्टर जो ड्रग्स लिख के देते हैं हमारा जीवन जिंदगी सुधारने के लिए, ऐसा माना जाता है कि कोई कोई ड्रग्स ऐसा होता है जो भी ये कोएंजाइम Q10 का मात्रा हमारा शरीर में ठीक से रहने देते नहीं देते, उसको कम हो जाता है हमारा शरीर में, ये डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम ये कोएंजाइम Q10 लेते हैं, ये सप्लीमेंट अगर हम शरीर को देते हैं, मतलब हम हमारा शरीर को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उसका अपना जो बैलेंस बनाए रखने के लिए, उसको हम हेल्प कर रहे हैं, मतलब हम हेल्दी रहने के लिए वहां स्टेप ले रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं ये कोएंजाइम Q10 जो हमारा सप्लीमेंट है इसका क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, ये क्या क्या हमारा शरीर के अंदर हेल्प करते हैं। देखिए ये जो कोएंजाइम Q10 होता है ना दोस्तों, ये हमारा ये इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब क्या होता है, जो बाहरी तत्वों से हमारा शरीर को बचाते हैं। हमारा शरीर के अंदर एक है ना ऐसे एक सिस्टम है जो हमको बीमार नहीं पड़ने देते है ना कोई तत्व तो हमको बचाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी सिस्टम। वो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, उसको बूस्ट करने के, उसको ऑप्टिमम कंडीशन में लेके जाने के लिए जो हेल्प करते हैं उसमें से एक तत्व होता है ये कोएंजाइम Q10। और दोस्तों ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसका बारे में मैंने बोला, जहां क्या होता है मसल्स क्या होता है इतना वीक होता है, वो क्या होता है वो ठीक से पंप नहीं कर पाते, उसको भी ये रोक सकता है। ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है, हार्ट का जो पावर देना उसको भी वो पावर देके उसको रोक सकता है। दोस्तों और क्या कर सकते हैं, ये अगर हाई ब्लड प्रेशर हमारा शरीर के अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर का जो हमारा कंप्लेन रहता है, अगर हम ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर हम कोएंजाइम Q10 लेते हैं तो कोएंजाइम Q10 हमारा इसको हेल्प कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा सकते हैं। हम सभी को पता है ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसका सबसे नंबर वन दुश्मन कौन होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली द बैड कोलेस्ट्रॉल ऑफ कोर्स। तो हाई कोलेस्ट्रॉल इसको रिड्यूस कर सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकता है। और क्या कर सकता है, ये जो क्रॉनिक फैटिग होता है ना, देखिए दोस्तों ये जो कार्डियोवास्कुलर जिसको सिस्टम में जिसको प्रॉब्लम होता है, या तो कोएंजाइम Q10 का अगर किसी का कमी होगा तो उनको ना एकदम फैटिग लगेगा, उनको एकदम होता है उत्साह नहीं लगता, वो निरुत्साह होते, उनका अंदर एनर्जी नहीं रहता, उनका मतलब कोई काम करने के उतना मतलब एनर्जी दे के सब उनको लगता है नहीं हमको फैटिग लग रहा है। तो ये फैटिग कोई एक दिन हो सकता है किसी के लिए, दो दिन हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर ये हो सकता है होता है तो हो सकता है उसके पीछे एक कारण है ये कोएंजाइम Q10 का घटना। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो शब्द अभी आपको बताने जा रहा हूं। एक तो होता है प्रिवेंट, ये क्या करते हैं, ये जो माइग्रेन का बीमारी हो, माइग्रेन यू नो माइग्रेन द कॉन्ट्रक्शन ऑफ आवर ब्रेन मसल्स, इसको भी वो प्रिवेंट कर सकता है। हेडेक्स को, हमारा ये जो हेडेक्स होता है, सिर दुखना, इसको भी वो प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है, रोकथाम कर सकते हैं। और मतलब कोई एक्सरसाइज करता है उसको चेस्ट में पेन होता है, उसको भी ये रोक सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो है केमोथेरेपी, किसी का हो गया, किसी ने केमोथेरेपी लेते हैं तो केमोथेरेपी का बहुत ही साइड इफेक्ट होता है, उसका बहुत ही बुरा असर होते हैं, साइड इफेक्ट होता है। तो वो जो बुरा जो साइड इफेक्ट होता है उसको वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, मतलब टू सम एक्सटेंट इट कैन हेल्प उसको साइड इफेक्ट को असर ना करने देने के। तो ये है ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर में भी और मेमोरी लॉस में भी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल में भी ये हेल्प कर सकता है। तो कैसे इसको लेते हैं, कोएंजाइम Q10 को हमको कितना लेना चाहिए, देखिए
ये जो कोएंजाइम क्यूटेन है इसको 10 ड्रॉप्स करके लेना, एक तो है मॉर्निंग में एक तो है इवनिंग में। और आप सभी को पता है हमारा ये जो प्रोडक्ट्स रहता है, ये जो हमारा कोई भी उसमें से मोस्टली इसको कौन सा टाइम में लिया जाता है, जब हमारा स्टोमक एम्प्टी रहेगा, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में एम्प्टी स्टोमक में लीजिए। और कम से कम उसका बाद आधा घंटा कुछ ना खाइए, है ना, कोई नहीं खाना है। यू शुड नॉट टेक एनीथिंग आफ्टर दैट फॉर हाफ एन आवर, है हाफ एन आवर आपको लेना नहीं, ये मतलब ये कॉमन है उसमें से ये। और कम से कम 6 महीना से 12 महीना इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड द हिमालयन बेरी जूस। इसका बारे में मतलब बहुत ही चर्चा करना इच्छा है। ये सिर्फ हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए नहीं, ये हमको ठीक रखने में मदद करते हैं। हिमालयन बेरी जूस सबको अपनाना चाहिए, सबको इस्तेमाल करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, स्पेशली जिसको वेट लॉस का खतरा नहीं, क्योंकि ये वेट लॉस में मदद करते हैं। तो सबको ये हिमालयन बेरी जूस मतलब अगर आप अपनाते हैं, अगर आपको वो आप चाहे तो आपका जो ओजोन घटाने के लिए या ढेर सारे कारण होते हैं उसका बारे में मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा हिमालयन बेरी जूस जो होते हैं ये, इसका बारे में एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा, आप सोचिएगा ये कितना पावरफुल है। ये जो चेंगिस खान का नाम हमने सुने हैं, जो कि इन्वेडर हैं, बाहर से आके हमारा देश को आक्रमण किया था चेंगिस खान, इन ये तो बहुत ही प्रमुख हो गया, ये इनका नाम ये मशहूर है, बहुत ही मशहूर है चेंगिस खान। तो ये मशहूर था इनका अपना जो युद्ध करने का उनका जो पावर था, एबिलिटी था इसके लिए, वो ही वॉज ए मतलब फेमस वर्ल्ड लॉर्ड, वो बहुत ही मतलब युद्ध जीत चुके थे। और आप सभी को पता है चेंगिस खान, तो चेंगिस खान जो है उनका जो अपना जो सेना था वो सेना का ऊपर उनको बहुत भरोसा था, और सेना का जो हेल्थ है, सेना का हेल्थ के लिए उन्होंने इसको अपनाया था, ये हिमालयन बेरी जूस सबको लेने के लिए बोला था। ये जो हिमालयन बेरी जूस है दोस्तों, ऐसा कहावत है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसा कहावत है, ऐसा लिखा है, मतलब उसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कहावत है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब रिटर्न कर रहे थे तब उनका जो सेना था, उनका सेना में ऐसा कुछ लोग, वो पुराना जो घोड़ा था जो काम का नहीं आया, वो घोड़ा को छोड़ दिया था, मतलब वो हॉर्स को छोड़ दिया था। हॉर्स को छोड़ देने के बाद, क्योंकि बुढ़ा है इसका मतलब देखने से पता चलता है इससे कोई काम नहीं होगा, ऐसा जो हॉर्सेस था उसको उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उसको अभी बाहर चला जाए उसको कोई कुछ नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जो सेना था मतलब जो सैनिक था उनको दिखने को मिला, वही जो हॉर्स है वही जो घोड़ा है, वो घोड़ा एकदम मतलब बहुत ही तेजी लग रहा था, अभी लगता है उसको अंदर एकदम नया जान आ गया, उसका जो कोट है वो बहुत ही एकदम मतलब मतलब वो क्या बोले वो एकदम ग्लो कर रहा था। तो ये देखते हुए उनको लगा कि कैसे इसका अंदर एकदम फिर से जान आ गया, कौन इसको जान फूंक दिया। तो उन्होंने देखा कि ये जो हॉर्सेस है उन्होंने ये हिमालयन बेरी जूस को उन्होंने लिया, तब से इनका शोध सपने पता चला कि इसका अंदर इतना पावर है कि वो ह्यूमन बॉडी को बहुत ही मतलब पॉजिटिव असर दे सकता है, तब से ये हिमालयन बेरी जूस सामने आया। देखिए दोस्तों, ये हिमालयन बेरी जूस हमारा जो है जिसका साइज है 750 ml, ये जूस का रूप में हमको पाया जाता है। इसको और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड द सी वाकथन। ये सी वाकथन जो होता है वो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ये ब्लड प्रेशर को घटा सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी सुधार सकता है। और हमारा सबसे एक बात है वो है ब्लड क्लॉट्स, ये जो क्लॉट्स होता है, ये जो क्लॉट्स जो होता है ये क्लॉट्स एक कारण बनते हैं हमारा ये जो मतलब हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, तो ब्लड क्लॉट होने नहीं देते, इसीलिए क्लॉट ना पड़े इसीलिए भी डॉक्टर हम लोग को क्या करते हैं वो हमको दवा देते हैं ना, तो ये काम ये नेचुरली करता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं हिमालयन बेरी जूस के बारे में। ये सिर्फ एंटीकोएगुलेंट नहीं है, एंटीकोएगुलेंट मतलब जो थ्रोम्बस बनने नहीं देते, जो ऐसा क्लॉटिंग नहीं बनने देते, तो इसका अंदर ना ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट है, ढेर सारे एक गुड अमाउंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इसका अंदर है।
दोस्तों मैंने एंटीऑक्सीडेंट को बोला, एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारा जो एल्डरली डिजीज या डिसऑर्डर होते हैं उसका पीछे का सबसे बड़ा कारण होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हमारा जो बुढ़ापा होता है इसका पीछे का इसका पीछे का कारण होता है फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, उसका अगेंस्ट में जाके वो फाइट करते हैं और हमको हमारा शरीर को वो तंदुरुस्त रखते हैं, ठीक रखते हैं। दोस्तों इसका साथ हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, इसका साथ इसका अंदर है 190 प्लस बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट, अलग अलग ऐसा न्यूट्रिएंट है इसका अंदर दोस्तों। और ये न्यूट्रिएंट से भरपूर जितना भी पौष्टिक तत्व होता है ये पौष्टिक तत्व इसका अंदर है ये हिमालयन बेरी। तो हिमालयन बेरी कोई भी आदमी के लिए एक मतलब उनका जो हेल्थ है उनके लिए एक वरदान है। और दोस्तों ये 100% नेचुरल है जैसे कि हमने बताया, एंड इट इज हैविंग सेवरल सर्टिफिकेशंस, आप देख लीजिएगा। और ये 100% नेचुरल जूस है, इसका अंदर कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, एकदम प्राकृतिक है। और ये एक इफेक्टिव फॉर्मूला है जो कि हमको अच्छा रख सकते हैं, अच्छा रख सकता है, किसी को भी हेल्दी रख सकता है। दोस्तों ये जो हिमालयन बेरीज होता है इसको सुपर फ्रूट भी बोला जाता है क्योंकि इसका अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट तो मैंने बताया, फिर से उसका अंदर जो है तत्व तो वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं जो कि इंफ्लामेशन को रोकते हैं। दोस्तों ये एमिनो एसिड इसका अंदर रहता है जो कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दोस्तों इसका अंदर विटामिन है मतलब इसका अंदर ढेर सारे विटामिन रहते हैं। इसका अंदर ओमेगा फैटी एसिड रहता है ढेर सारे, मतलब ओमेगा फैटी एसिड बोले तो इसका अंदर 3 भी है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और उसका साथ ओमेगा 7 भी है जो कि बहुत ही रेयर एंड वेरी पावरफुल है। दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल एक तत्व होता है जिसका अंदर सिर्फ इसका अंदर इतना सारे ढेर सारे ऐसा ओमेगा फैटी एसिड देखने को मिलता है। दोस्तों और बताए ये जो हिमालयन बेरी है ये कम से कम जमीन से ये जो 4000 से 14000 फीट ऊपर ये जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वहां इसको ये वहां इसको देखने को मिलता है, मतलब वहां इसका ग्रोथ होता है, दूसरे जगह में इसका कल्टीवेशन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और हमारा जो हिमालयन का ऊपर जो लेह लद्दाख के ऊपर का जो अंचल होता है वहां ये सब मिलता है दोस्तों। और हिमालयन बेरी फ्रूट क्या होता है ये इसको बोला जाता है, ये एकदम मतलब अनोखा स्रोत होता है विटामिन सी का। और दोस्तों आप सभी को जानते हैं विटामिन सी और इसके अंदर है विटामिन ई और ढेर सारे अदर न्यूट्रिएंट्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, हैं और अदर हेल्पफुल कंपोनेंट्स होता है। दोस्तों ये जो फाइटोकेमिकल्स फ्लेवोनॉइड्स छोड़ के भी और ढेर सारे फाइटोकेमिकल्स है जो कि हमारा शरीर के लिए, उसके बारे में मैं बोलूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा इसका अंदर विटामिन सी इतना है, मतलब बहुत ही मात्रा में विटामिन सी होता है। और दोस्तों ये जो विटामिन सी इसका अंदर है, विटामिन सी इज वन ऑफ द पोटेंट विटामिन जो कि हमारा इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके ऊपर डॉक्टर लिनस पॉलिंग ने शो किया, उन्होंने भी विटामिन सी लेने के लिए पक्ष में पक्षधारी थे। और आप सभी को पता है आज का जो कोविड का सिचुएशन है, ये कोविड का सिचुएशन में भी ये जो विटामिन सी है वो हमारा जो इम्यूनिटी के है इम्यूनिटी को ढेर मतलब बहुत ऊंचा ले जा सकता है, बहुत ही अच्छा तरह से उसको बूस्ट कर सकता है। सो दिस इज हाईली इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल एक तत्व होता है दोस्तों। और हिमालयन बेरी का अंदर जो है वो है ओमेगा 3, 6 and 9 एंड रेयर 7 जिसके बारे में मैंने बोला। और हिमालयन बेरी का अंदर ये जो विटामिन सी है ये कम से कम 12 टाइम्स जो कि ये दूसरा जो फूड होता है जैसे कि पकड़ लीजिए ऑरेंज, ऑरेंज का अंदर जितना विटामिन सी होता है कम से कम इससे 12 गुना विटामिन सी मिलता है दोस्तों ये हिमालयन बेरी में। आप सोचिएगा कितना पावरफुल है ये, छोड़ के भी इसका अंदर फाइबर होता है दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, ये छोड़ के ये विटामिन ए है, विटामिन B1 है, B12 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है और एक रेयर विटामिन है दैट इज विटामिन के। वो छोड़ के ये जो फाइटोकेमिकल्स होता है फ्लेवोनॉइड्स, लाइकोपिने, ये कार्टेनॉइड्स, ये सब एक एक जो तत्व होता है वो हमारा शरीर के लिए चाहिए चाहिए होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और हिमालयन बेरी जूस को और एक हिसाब से एक दृष्टिकोण से देखा जाता है ये वेट लॉस के लिए बहुत ही मशहूर है, वेट लॉस कराने वेट को घटाने के लिए बहुत ही पावर से वो काम करता है, वेट लॉस कराता है दोस्तों।
है ना। इसका एक कारण माना जाता है क्योंकि ये जो ओमेगा सेवन होता है वो हमारा ये लगता है उसको लेने से कि हमारा वो एपेटाइट जो होता है ना उसको कम कर देते हैं, मतलब हम जो भी खाना खाते हैं तो हमको लगता है हमारा हो गया। तो ये जो ओमेगा सेवन होता है ये इसका एक असर है, और दूसरा भी इसका अंदर तत्व होता है जो भी असर दिखाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बोलूंगा क्यों हिमालयन बेरी के बारे में सिर्फ हार्ट के बारे में बोलते बोलते इतना बोल गया, क्योंकि हिमालयन बेरी इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल जूस जो कि हमारा शरीर को एकदम अच्छा रख सकता है। दोस्तों ये जो सी बक्थन है, मतलब ये जो हिमालयन बेरी जूस है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के एकदम प्रमोट करता है, जैसे कि मैंने बोला विटामिन सी, और इसका अंदर ऐसा तत्व तो है जो कि हमारा स्किन को, जैसे कि पकड़ लीजिए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, हरेक जो तत्व होता है यह हमारा शरीर को, और एंटी एजिंग मतलब एंटीऑक्सीडेंट रहता है, तो हमारा स्किन को अगर अच्छा रखना है, स्किन कंडीशन को ठीक रखना है, तो हमको ये हिमालयन बेरी जूस चाहिए चाहिए, और ये स्किन का हेल्थ उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों ये जो रिड्यूसिंग रिंकल्स, हमारा स्किन के ऊपर जो रिंकल्स आता है ना, ये रिंकल्स क्या होता है दोस्तों, ये बुढ़ापा का निशानी होता है, मतलब ये इसको हटाने में भी ये हिमालयन बेरी जूस काम करता है। अगर कोई लेता है तो धीरे धीरे उसको रिड्यूस भी कर सकता है। दोस्तों ये हमारा लीवर के लिए भी एक वरदान है, क्योंकि लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को क्लीन करता है, लीवर को सपोर्ट करता है, तो लीवर के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल तत्व माना गया है। दोस्तों और एक है, वो है ब्लड शुगर। ये जो ब्लड शुगर्स होते हैं दोस्तों, ब्लड शुगर को घटाने के लिए मदद करते हैं ये, और ब्लड शुगर को घटा के उसको मेंटेन करने में वो मदद करते हैं। दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक रखते हैं, और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी और ठीक रखने में मदद करते हैं। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन को भी वो हेल्प करते हैं, हमारा ब्रेन जो होता है ना, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारा इधर सिस्टम है, उसको भी वो हेल्प करते हैं, उसको ठीक रखने में मदद करते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मेमोरी है ना, मेमोरी को वो इम्प्रूव करते हैं, और ये सेल जो नया बनने में मदद करते हैं, सेल को जो थोड़ा इधर उधर हो गया था उसको भी रिजुविनेट करने के लिए वो मदद करते हैं, और इसीलिए वो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माना जाता है कि ये हिमालयन बेरी जूस बहुत ही पावरफुल एक इंग्रेडिएंट्स है। दोस्तों ये जो हिमालयन बेरी जूस है इसको कैसे लेते हैं, इसको 15 ml ट्वाइस डेली दो टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग, और कम से कम इसको लेने का 30 मिनट बाद जाके कुछ लेना है, और एम्प्टी स्टमक में लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको सभी जगह रेकमेंड करता हूँ, वो है कोई भी जूस होता है उसको पहले धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है, मतलब मेरा मानना है 15 ml में हमको जाना है, लेकिन अगर हम 5 ml से शुरू करते हैं, मतलब सुबह 5 शाम को 5, फिर धीरे धीरे हमको बढ़ के जाने से, ये दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ जूसेस। देखिए दोस्तों ये केवा हार्ट केयर जो टैबलेट्स है इसका बारे में बोलना, क्योंकि ये लास्ट में बोल रहा है, लेकिन ये हार्ट का ऊपर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर सबसे पावरफुल, इसको बनाया गया है ऐसा तत्वों से ताकि ये हमारा हार्ट को कोई भी स्थिति में वो उसको सपोर्ट कर सके, उसको पावर दे सके और ठीक रहे। तो केवा हार्ट केयर टैबलेट्स इसे कंप्लीट एक कंप्लीट पैकेज है जो कि हमारा हार्ट को सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर दोस्तों 60 tablets है, और हार्ट केयर टैबलेट जो होता है ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही काम का चीज होता है। तो दोस्तों ये जो कोएंजाइम Q10 होता है, ये जो हिमालयन बेरी जूस होता है, उसका साथ हार्ट केयर भी लेना चाहिए। केवा हार्ट केयर जो होता है वो रेयरेस्ट ऑफ द हार्ट, उसको लाके ढूंढ ढूंढ के लाके, जैसे कि हमारा दूसरा भी प्रोडक्ट है उसका अंदर ऐसा करके ब्लेंड करके उसको लाया गया है, ताकि ये जो कंज्यूमर है, जो उनको कंज्यूम करेंगे, उनको सबसे ज्यादा असर मिले, सबसे ज्यादा उनको रिजल्ट मिले, इसके लिए केवा हार्ट केयर टैबलेट्स एक बहुत ही असरदार, बहुत ही पावरफुल एक मेडिसिनल ब्रांड से बना हुआ एक प्रोडक्ट हमारा सामने प्रस्तुत किए हैं हमारा केवा काइबो इंडस्ट्री। तो दोस्तों हमारा शरीर को ये हार्ट केयर चाहिए क्यों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो खान पान, क्या हम मान सकते हैं कि एकदम स्टैंडर्ड है? कोई आम जो मोहल्ले में रहते हैं, देखिए कोई एक्सेप्शन हो सकता है, एक दो एक्सेप्शन हुआ उससे दैट इज नॉट द,
मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल उसका जो लाइफ स्टाइल, आज का डेट में लोग इतनी बिजी हो गया, उनका जो लाइफ स्टाइल है, और लाइफ स्टाइल क्या होता है, वो लाइफ स्टाइल ही बीमारी ला रहा है। जो खाना हम खाते हैं क्या है, वो हम सभी को पता है, हमको रॉ ये जो फ्रूट्स होता है, ये जो वेजिटेबल्स होता है, उसको मैक्सिमम लेना चाहिए, ऑयल को, शुगर को, ये नमक को, इसको एकदम कम करना चाहिए, इसको ये सब इससे दूर रहना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? तो दोस्तों हमारा ये जो ईटिंग जो हैबिट होता है, हम जिसमें जो लेते हैं, और जैसे हमारा जिंदगी, क्या हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर हम हाँटते हैं, वॉकिंग करते हैं, कम से कम भागे ना, कम से कम वॉकिंग करते हैं, कम से कम नहीं करते हैं ना मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब कोई कोई आप करते हैं तो मेरा शुभकामनाएं हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरली जो होता है नहीं करते। तो लेकिन ये जो हमारा शरीर होता है ना, ये शरीर का एक अपना एक रूल होता है, वो अपना हिसाब से चलते, तो उस कारण क्या होता है, हमारा शरीर में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, इसका परिमाण अधिक होने लगता है। दोस्तों ये आप बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल होता है, नहीं दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का अंदर दो होता है, एक अच्छा होता है, एक खराब होता है। अच्छा कौन, मतलब हार्ट के लिए अच्छा, हार्ट के लिए। अभी कोलेस्ट्रॉल अच्छा है कि नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा है, कोई कोई साइंटिस्ट मानते हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हार्ट के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए एलडीएल जो होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है दोस्तों एचडीएल, जो आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो इसको आपको देखने को मिलेगा। तो हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड द गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये बैड क्यों है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो आर्टरी होता है उसका अंदर चिपक जाते हैं, आर्टरी के अंदर जो चिपक जाते हैं, तब जाके वो फ्री फ्लो नहीं कर पाते ब्लड, तो फ्री फ्लो नहीं कर पाते, इसीलिए क्या होता है, उधर उसका ब्लॉकेज तैयार होते हैं, और फिर जाके अगर ब्लड के अंदर कोई ना कोई क्लॉट तैयार हो गया, तो पूरा का पूरा वो जैम हो सकता है पूरा सिस्टम, तब जाके ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है ना। तो ये एलडीएल को माना जाता है बैड, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये डिजीज देते हैं, डिजेबिलिटी देते हैं परमानेंटली, और डेथ का कारण बनते हैं। तो उसी लिए क्या होना चाहिए, उसी लिए हमको क्या करना चाहिए, एलडीएल को घटाना है और हमको बढ़ाना है एचडीएल। एचडीएल में क्या आते हैं दोस्तों, एचडीएल में आते हैं ओमेगा, ओमेगा भी फैट है, लेकिन दैट इज एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओमेगा इज फैंटास्टिक, इट इज अ ऑयल, बट इट इज फैंटास्टिक फॉर आवर हेल्थ। और ये जो एचडीएल है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारा हिमालयन एरी जूस में है। तो दोस्तों ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, जो कि हमको हार्ट अटैक भी दे सकता है, और कभी भी कोई टाइम में दे सकता है, जिसको कोई पता नहीं है, उसको रोकथाम करने के लिए हम लोगों को ये पैकेज, जिसके अंदर ये हार्ट का टेबलेट भी आता है, उसको लेना चाहिए। देखिए ये कार्डियल जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, जो कि हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, जो हार्ट अटैक जिसका नाम है, उससे हमको बचा सकता है। आप सोचिए दोस्तों, अगर किसी का पकड़ लीजिए कुछ टाइम बाद, एक बरस बाद या कभी भी जाके उनको ये हार्ट अटैक होने का चांस है, अगर उन्होंने ये हमारा 3-3 प्रोडक्ट ले रहे हैं, और लेने का कारण से उनको हार्ट अटैक टल गया, नहीं हुआ, और आदमी उनका जान बच गया, तो क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये ऐसा करके, ऐसा दृष्टिकोण से हमारा ये प्रोडक्ट को सोचना चाहिए, है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये हमारा ऐसा करके हेल्प कर सकता है दोस्तों। और लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, ये क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको घटा सकता है, ये हमारा जो हार्ट मसल है, हार्ट मसल को नरिश कर सकता है, हार्ट मसल, जैसे बोला हार्ट मसल को वीक होने से ये जो प्रॉब्लम होता है, इसका बारे में मैंने ढेर सारा टाइम मैंने जिक्र किया। तो दोस्तों ये हार्ट मसल जो जिससे हमारा हार्ट बनते हैं, उसको नरिश करते हैं, और ये जो वेसल्स है, जो वेसल्स हैं, उसको क्या करते हैं,
फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसको मैंने बोला वो टाइट हो जाने से क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, ये भी हाई ब्लड प्रेशर को ऊपर काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। और ये कार्डियक जो मसल होता है, हार्ट का जो मसल होता है, उसको बूस्ट करते हैं। और ये हार्ट मसल के ऊपर क्या रहता है, ये आर्टरी रहते हैं। ये जो आर्टरी रहता है कोरोनरी आर्टरी, उसका अंदर वो क्या करते हैं, इफेक्टिवली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। उससे क्या होता है, उससे हार्ट का अटैक होने का जो चांसेस रहता है वो घटता है। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पावरफुल और कितना असरदार हो सकता है ये अगर हम लेते हैं। तो दोस्तों ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसका बारे में मैं इतना टाइम से बोल रहा था, एलडीएल, उसको घटा सकते हैं, जो कि बैड है, यू बैड है, मैंने बोला आपको, है ना, वो ब्लॉकेज के कारण हो सकता है। और अगर थ्रोम्बोसिस ना, थ्रोम्बोसिस रोकने के लिए इसको लेना चाहिए। तो एलडीएल घटाने का मतलब है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, है ना। तो वो हमारा सिस्टम को ठीक करने में मदद करते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमारा शरीर का अंदर जो एचडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ब्लॉकेज में कम आएगा, वो आर्टरीज को जो ब्लॉकेज होता है, वो आर्टरीज का ब्लॉकेज वो मूव करता है। क्या होता है दोस्तों, एलडीएल क्या, वो चिपचिपा होते हैं उसके अंदर, इसीलिए वो आर्टरी के अंदर चिपक जाता है। लेकिन ये जो एचडीएल होता है ना, वो क्या करते हैं, उसको लेके फिर उसको सीधा चला जाता है लीवर, है ना। मतलब ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो सिस्टम होता है, एचडीएल क्या करता है, एचडीएल सिस्टम को क्लीन करता है। एलडीएल क्या करता है, एलडीएल उसमें बाधक बनते हैं, उसमें ब्लॉकेज तैयार करते हैं। एचडीएल क्या करते हैं, ब्लॉकेज को हटाते हैं। तो एचडीएल का बढ़ना इटसेल्फ फैंटास्टिक फॉर अवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एलडीएल का साथ तीनों चीज हमको देखने को मिलता है, हमारा जब लिपिड प्रोफाइल होता है उसका साथ एक दूसरा आता है, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड हम जो भी ये जो तेल लेते हैं, मतलब ब्रांड से, तो या हम जो खाना खाते हैं, हमारा बॉडी उसको कन्वर्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, और ट्राइग्लिसराइड्स को एलडीएल को और एचडीएल को उसको लोअर करने में जो काम करता है, दैट इज आवर हार्ट केयर। तो उसको कैसे लेना है दोस्तों, उसको सुबह में एक और मॉर्निंग में और इवनिंग में एक एक करके लेना है, ऐसा टेबलेट है। तो उसको जैसे कि दूसरे को बारे में बोला, वो एम्प्टी स्टमक में लेना है, और लेने के बाद कम से कम आधा घंटा तक दूसरा कुछ लेना नहीं है, खाना नहीं है, ना। तो इसको कम से कम 6 मंथ से बड़ा महीना तक, मतलब 1 ईयर तक इसको कंटिन्यू करके हम लोगों को लेना है। तो ऐसा इसका बारे में मैंने चर्चा किया। तो दोस्तों आपने देखा, ये बहुत ही पावरफुल एक ऐसा प्रोडक्ट है। तो इसका ऊपर इतना चर्चा हमने किया, तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी उम्र जिसका बढ़ रहा है, उम्र जिसका इंक्रीज हो रहा है, आज जो भी 40 के ऊपर चला गया, जो भी है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू निखिल यादव जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्यार और आप सभी को ये कमेंट हमको बहुत पावर देता है, निखिल यादव जी सुपर सेल लिखे थे, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो ये जो होता है, बुरानी जी थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये जो आज का जिसका बारे में हमने चर्चा किया, हमारा हार्ट का बारे में, और इसका संदर्भ में हमारा ये तीन प्रोडक्ट है, ये तीन का प्रोडक्ट का बारे में मैंने बताया आप सभी को। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी ने मिलके लोगों का पास जाएंगे और इसका बारे में चर्चा करेंगे, और घर घर में जय जय केवा, घर घर केवा, यस आई लव केवा, थैंक यू वेरी मच। इसका साथ आप सभी को फिर से अभिनंदन करते हुए, आप सभी को शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। और ही घर घर के भाई, यस दिस नॉलेज इज वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आपको, अच्छा थैंक यू सर जी, निखिल यादव जी, मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू आशीष वर्मा जी, थैंक यू।
मैं सबका नाम नहीं ले पाया, मैं आप सभी को मैं मेरा ग्रेटफुलनेस व्यक्त करता हूं और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। नाम भी बोल दिया कर, मेरा नाम सर है सुप्रियो चक्रवर्ती, दैट इज माय नेम, थैंक यू वेरी मच, माय नेम इज सुप्रियो चक्रवर्ती, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को फिर से अभिनंदन करते हुए मैं आपका वाणी को विराम देता हूं और गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।